सलाम वालेकुम। हेलो यार, तो वेलियो मित्र तो सिलियो बकरियो ते ले लियो की हाल चाल है। ठीक ना यार, गेम प्ले को आए हुए तकरीबन 3-4 दिन हो चुके हैं और मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था ना गेम प्ले बनाने का। और आप लोगों को पता है कि एक सरप्राइज़ वीडियो बनानी थी, वो थोड़ी सी लेट आएगी क्योंकि उस पर टाइम लगेगा। अबे मैं इसको क्या बोलूँ, क्यों सेब मार रहा है तू? मेरा पुत्र छुट्टी कर, तू आ, तुझे मैं गेम में बताता हूँ। खैर, तो ये गेम प्ले बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि तुम लोगों को MS नज़र आ रही होगी। MS मेरी ग्रीन आ रही थी, मतलब यहाँ पे अभी थोड़ी थोड़ी ऐसे, ये देखो वापस से ग्रीन होगी, ऐसे ही ग्रीन MS चल रही थी। लेकिन जो है ना, हम लोग पावर प्लांट में उतरे, ऑल पे बहुत सारी गालियाँ वालियाँ चल रही थी, तो उसको इग्नोर मारना अगर तुम लोगों को आवाज़ आ भी जाए। तो हम लोग ये डेविल भैया को मारने के चक्कर में ना, जिसको इसने मारा था ना, उसको हम मारेंगे, मतलब वो लड़की थी। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये पार्ट 11 है और तुम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि MS बहुत हाई थी और तुम लोगों को नीचे उतर के नशे देखना मेरे बंदे के। पहले उतरते साथ भाई अजीब ही ड्रामे हो रहे थे, मतलब पूरी के पूरे बंदे, अब सभी की मुझे लग रहा था MS ख़राब है। तो देखना, पहले मैं यहाँ पे उतरा तो यहाँ पर ही मेरे साथ ड्रामा शुरू हो गया। ये देखो, इधर जा रहा हूँ, पीछे आ रहा है, अबे भाई मारेंगे को जी, निकल यहाँ से। अच्छा ये आया जी यहाँ पर, वो सामने बंदा, फिर यहाँ पर बस, ये क्या है? अब MS तुम लोग देखते जो, ये देखो MS तुम लोग देखते जो, MS मेरी क्या है और लेकिन बंदा कैसे फंस रहा है। मैंने ये अब चल ही नहीं रहा था, ये देखो अभी ये आए हाय, जिंदा है, चलती फिरती मैयते हैं। अब सामने बंदा बाहर खड़ा है, मुक्के मार रहा है किसी को। मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता किसी तरीके से अंदर जाते हैं, यहाँ से शॉट देते हैं। अबे बाहर जाना, अच्छा वो अपनी जगह पे पता नहीं। मैं यहाँ पे बहुत पागल हुआ, मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, अभी जनरेटर गेम ये समझ लो सारी की सारी। अच्छा यहाँ पर मेरे हाथ में गन है, अब देखना सामने बंदा आगे खड़ा हो जाएगा। ये देखो मैं कहाँ दरवाजे पे चला गया था, ये रीलोड, अबे उठा ले भाई, उठा ले भाई। वो बंदा है, अच्छा बंदा इजीली, बंदे पे गोलियां रजिस्टर हो रही हैं, ये तुम लोग चेक करो, बंदे पे गोलियां रजिस्टर हो रही है लेकिन मेरा बंदा आगे पीछे नहीं जा रहा है। अभी बड़ी मुश्किल से मैं आगे जाऊंगा यहाँ पे, अबे उठा ले भाई, उठा ले भाई, उठा ले। यहाँ पे आया ना तो मुझे सामने बंदे दिखे, वो लोग सही भाग रहे, वो लोग सही भाग रहे। मुझे बाहर वाली साइड से भी फुट स्टेप्स आए, मैंने कहा अब बाहर वालों को भी मारना है तो क्या करूँ। वो सामने बंदा दिखा मुझे भाई, तो मैंने कहा बाहर जंप करता हूँ, देखना यहाँ से कोई नज़र नहीं आ रहा, मैंने कहा फिर भी जंप करता हूँ। आवाज़ आ रही थी वो, अरे 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 बेचारी आयशा गई। आदिल DZ, आयशा और आदिल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हमने तोड़ कर दिया। खैर इन दोनों को जो है ना हमने 2-3 लगाई और इनको कहा जाओ यार, मतलब जो भी इस तरह के मामलात होते हैं ना ये डेट वेट वाले, वो तुम लोग लॉबी में बैठ के किया करो, मतलब यहाँ पे गंदी बातें करने आ जाते हो, इतना अच्छा मैप है ये, इसको ख़राब करो। अभी भी इसके नशे देखो, रीलोडिंग, ओ हाथ में मैगजीन उठाई हुई भाग रहा है, अबे भाई रीलोड कर ले यार, लूट कर रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे पहुँचा इस डब्बे तक, लेकिन डब्बा खाली था। पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है तो मुझे लगा बंदा होगा, जैसे कि यही फंस रहे थे भाई बोट, भाई बोट ना प्रॉपर चल रहे थे तो मैंने कहा चलो बोट को मार लिया, बाकी के बंदों से फाइट लेते हैं गोलियां। तो ये क्या है, अबे भाई जान छोड़ ले मेरी। बड़ी मुश्किल से मैं ना यहाँ तक पहुंचा। अब मुझे देखना, ये बंदी दिखी, उसको गोलियां मारने लगा था। अच्छा, इसको मारने के बाद ना मीरब आए, हाय मीरब आए, कौन मर गया मेरे हाथों, बेचारी अकेली थी, सेटिंग हो सकती थी लेकिन वो ऑफलाइन हो गई ना। अच्छा मैंने यहाँ पे एक बात सोची, मैंने कहा मूवमेंट नहीं करनी है, स्ट्रेट खड़े होके मारना है, उससे ये होगा गोलियां ठीक रजिस्टर होंगी, क्योंकि मूवमेंट करने से ना गोलियां आगे पीछे जाएंगी तो रजिस्टर नहीं होंगी। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत MS ठीक हो चुकी थी, मतलब मुझे लग रहा था ठीक चल रहा है मेरा बंदा। तो हम क्या करेंगे, मतलब शक ही था, कंफर्म नहीं था मुझे, तो मैंने कहा यार अब हम लोग बूट कैम्प, बूट नहीं है ये, कौन सा है यार, पावर प्लांट के हम लोग किंग है, ऐसे कैसे भैया, इसको फिनिश दिया, इसको फिनिश दे के मैंने मैंने कहा यार अब दूसरी में एमओ है तो हम लोग वेट करते हैं। अजा 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 रे,
किधर जा रहा है बबुआ? आजा आजा, उस बेचारे को पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। अच्छा एक चीज़ तुम लोगों ने नोटिस की होगी कि गोलियाँ जो थी वो बिल्कुल प्रॉपर रजिस्टर हो रही थी। खैर अभी हम लोग, अभी तक मैं इधर ही था, मैंने कहा देखो हम लोग किंग तो यहाँ के भी है ना, तो हमने ये वाली जगह नहीं छोड़नी, बाकी के लोग भी आएंगे। हमने 12 किल यहाँ पे निकाले हैं, 12 किल यहाँ पर निकाले हैं पूरे, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। खैर MS को दौरे पड़े थे, सामने एक बंदा आया, मैंने कहा लो भाई। अमान कश्मीरी है क्या नाम है? अच्छा इसका बंदा सामने वेट कर रहा था और मैंने कहा यार अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो उसको मारते हैं और यहाँ पर रीलोड वीलोड मतलब सारे मामला तय करूँ ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है बाद में। तो राइट से आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा राइट से बंदा आ रहा है, मैं राइट से बाहर निकला क्योंकि एक बंदे की फुट स्टेप्स मुझे राइट पर आ रहे थे उसके ऊपर, वो देखा बाहर भाग रहा है रेत के ऊपर। मज़े की बात तुम लोगों को ये बताऊँ कि ये दोनों के दोनों बॉट थे और ये उसका टीममेट भी नहीं था, और रेत की आवाज़ आ रही थी मतलब रेत के ऊपर कोई चल रहा है, तो मतलब जिस जिस अच्छा सामने आया ये वही है जो मुझे सेब मार रहा था ना लॉबी में। पुत्र तू आ, मैं तुझे ठीक करता हूँ, आ जा आ जा रे। लेकिन इसने मेरी हेल्थ अच्छी वाली डाउन कर दी थी। अच्छा मैंने यहाँ पर नेड निकाला तो ये मेरे क्लोज आ गया था और मेरे से गन नहीं स्विच हो रही। ओम बाबा 11 किलो हो चुके थे। अच्छा अब इस बंदे को मैं मारने के लिए जब गन स्विच कर रहा था, मैंने बहुत मुश्किल से, मैंने इतना ज़ोर ज़ोर का ऊपर टैप किया, उसके बाद जाके गन स्विच हुई, हमने हील वील की और लेफ्ट साइड पे एक फाइट चल रही थी और ये वही फाइट थी मतलब जिसने एक बंदा मारा हुआ था नाया ने क्या कुछ ऐसे करके नाम था, और हम उनको मारेंगे अभी। तो बाहर वाली साइड पे फाइट चल रही थी, हमने कहा कि यहाँ पर चढ़ के हम लोग फिर से देखते हैं। सामने देखा कोई नहीं है, फिर से देखा जैसे ही, तो एक बंदा आया, बैड बॉय नॉक हुआ, हानिया थी इसका नाम हानिया था। चलो मेरा पुत्र हानिया छुट्टी करो, और बैड बॉय को जिसने नॉक किया था ना उसको अभी उस बंदे को किल मिल गया, वो सामने वाली साइड पे था लेकिन वो वहाँ से भाग गया। ये वहीद या वलीद नाम था उस बंदे का। लेकिन यार एक बात गलत है यार, तुम लोग ना जब बंदा एक स्पॉट हो जाए तो उसको पहले ही मार लो। अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मेरी मिस्टेक। यहाँ पर हम लोग क्या नाम है पावर प्लांट के किंग होते हुए कर चुके थे 12 किलो, निकले यहाँ से पावर प्लांट से थोड़ा से नीचे आके ये वाले घर थे, यहाँ पे आके मैं उस बंदे को ऊपर स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, इतने में पीछे से फुटस्टेप की आवाज़ आती है, फुटस्टेप के बाद में ये बेचारे को पहले एक हेड पड़ी फिर दूसरी हेड पड़ी और फिनिश हो गया। खैर ये वो बंदा नहीं था जिसने उसको नॉक किया था, वो बंदा ऊपर ही था। मैं इतने में लूट वूट करके अंदर जाता हूँ ना तो मुझे आवाज़ आती है फायर की, देखो फायर की आवाज़ आई, वहीद नाम के बंदे ने बॉट मारा उस साइड पर। मैंने कहा यार चलो अब उसको जाके देखते हैं वो कहाँ पर है, और उसको मतलब उसके कान के नीचे दो लगाते हैं ना। तो भैया वो इस वाले सिटी के अंदर था, ये जो लास्ट वाला सिटी है इसका नाम तो मुझे नहीं आता है ना ही मैंने मतलब कभी इतने इसके नाम वगैरह गौर से देखे। सामने लेटा हुआ है, देखो मैंने यहाँ पर भी इसको छोड़ दिया, फिर यहाँ पर ये इस उल्टे हाथ पे आके लेटेगा, मैंने इधर भी इसको छोड़ दिया। लेकिन देखो कभी भी ऐसे बंदा स्पॉट हो ना तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये देखो मार सकता हूँ इजीली लेकिन नहीं मारा। मैंने कहा यार चलो वैसे ही वीडियो बनाते हैं मतलब बन रही है तो शुगल लगा लेंगे यहाँ पर। अब ये मुझे नहीं पता था ये वाला शुगल मेरे लिए नुकसानदेह होगा। अब होता क्या है देखो, ये बॉट मारने के लिए वो पीछे वाले घर में जाएगा और यहाँ पर लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड पीछे दो बॉट लड़ रहे होंगे। अब इसने क्या किया, यहाँ पर राइट साइड पर दो बॉट लड़ रहे थे तो एक बंदा यहाँ पर भी था, मैं इसका वेट कर रहा। अच्छा ये भी बंदा नहीं था, ये भी बॉट था। अब हुआ ये कि असल में यार डू वर्सेस सोलो में ना जो प्लेयर्स आते हैं वो अच्छी लोकेशंस पे उतर के मर जाते हैं, एंड पे एक दो प्लेयर ही बचते हैं। अच्छा अब राइट साइड पे पीछे जो है ना बॉट लड़ रहे थे वो आपस में लड़ के फिनिश हो गए। अब मैंने क्या मिस्टेक की, मुझे ये वाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी, मैं राइट साइड पर ना नीचे चला गया था। अब पीछे बॉट ने फिनिश कर दिया, यहाँ पर उस बंदे को मेरी लोकेशन पता चल गई थी कि मैं यहाँ पर हूँ। अब जोन आया था तो मुझे वो नज़र नहीं आया यहाँ पर कहीं भी, तो मैं ना राइट पे नीचे चला गया। मैंने सोचा सामने वाले घरों वाली साइड से निकलेगा,
तो यहाँ पर आके हम लोग खड़े हो गए और जोड़ों की दर्दों की दवा खा रहे थे। इतने में अचानक से ना, ये देखना, अभी हमें दवाई गोलियाँ आएंगी, मतलब गोलियाँ मिलेंगी। अरे 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 अरे, लानती लानती लानती। खैर, इसने अच्छा रोटेट मारा और पूरा घूम के आके ना मेरे, हाँ मतलब दी। तो यार, आप लोगों को गेम प्ले मज़े का लगा होगा, क्योंकि यार इतनी हाई MS पे मैंने इतने सारे किल निकाले थे और तुम लोगों को मज़ा आया होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट एंड सारा कुछ कर देना अगर वीडियो पसंद आई है। तो इंशाल्लाह एक और वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए पप्पा।